A very good morning to everyone. The topic that we have got for discussion today is a highly debated topic nowadays. Rather, I should tell or I should say that this is a burning topic. Yes, we are talking about the price hike in the field of petro products. But this is a matter of great relief for Indian people that the government of India has decided to cut excise duty on petro products. That will help people to fight with inflation as we all know that unexpected hike in the price of petro products has totally deteriorated monthly budget of households and it has a ripple effect on the different sectors because of which we are facing overall inflation in order to curb or control this kind of problem or inflation the government should have taken this decision earlier, but it is said in Hindi, Now, this is the duty of a state government to, to cut or reduce excise duty so that it may be beneficial for the people or for the common people. Now, in this very editorial, we shall try to evaluate the situation. Now, the condition of, of, of the price. हाइक इन इंडिया एंड वाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ दिस रिडक्शन ऑन ओवरऑल इन्फ्लेशन तो शुरुआत करते हैं आज के इस एडिटोरियल की हेडिंग से एंड हिंदी वेन वी टॉक अबाउट ऑल हैंड्स ऑन डेक अगर हम लोग ऑल हैंड्स ऑन डेक का हिंदी जानना चाहें तो इसका मतलब होता है ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब होता है कि असिचुएशन एक ऐसी परिस्थिति वेयर एवरी वन शुड वर्क हार्ड जिसमें सारे लोग मेहनत सारे लोगों को मेहनत करनी चाहिए यानी वैसी सिचुएशंस जहाँ पे सारे लोगों के कंट्रीब्यूशंस वांछित हों यानी वैसी सिचुएशन या अवस्था जिसमें सारे लोग उसमें क्या करें अपना कंट्रीब्यूशन दें कड़ी मेहनत करें अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये सोचने वाली बात है यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार यानी जो सरकार जो केंद्र में है केंद्र की के सरकार ने अपना काम कर दिया एक्साइज़ ड्यूटी को घटा दिया कट कर दिया अब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के घटाने से उतना असरदार ये नहीं होगा इसमें राज्य की जो सरकारें हैं उनको भी योगदान देना पड़ेगा इसलिए कहा जा रहा है ऑल हैंड्स इन ऑन डेक का मतलब क्या हुआ कि अ सिचुएशन वेयर एवरी वंस कंट्रीब्यूशन इज़ रिक्वायर्ड वैसा सिचुएशन जिसमें सारे लोगों की सारे लोगों यहाँ पे लोग नहीं हैं राज्य और केंद्र की बात हो रही है उनके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है उनकी मेहनत की ज़रूरत है इस एडिटोरियल में बात होगी ऑन सेंटर्स ड्यूटी कट ऑन पेट्रो प्रोडक्ट्स सेंटर के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है पेट्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो लगाए जाते हैं उसको उसके बारे में बात होगी आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आफ्टर सेंटर्स ड्यूटी कट सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से एक्साइज ड्यूटी को कट करने के बाद स्टेट्स मस्ट डू द सेम जो राज्य की सरकारें हैं उनको भी यही करना चाहिए विद देयर टैक्सेस, उनके टैक्सेस के साथ इस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद आपको दो कॉमन एरर्स दिए जाएंगे जो कि बेस्ड रहेगा इसी एडिटोरियल पे आपको बनाना होगा आगे देखते हैं समझते हैं द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑन सैटरडे टू कट द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रो पेट्रोल एंड डीजल बाई एट एंड सिक्स रिस्पेक्टिवली इज अबिलेटेड एक्नोलॉजमेंट दैट अप्रेल्स मल्टी ईयर हाईस इन इन्फ्लेशन वर अस्पर्ड इन सिग्निफिकेंट मेजर्स बाई हाई फ्यूल प्राइसेस कह रहा है कि जो द यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सैटरडे को एक डिसीजन लिया गया डिसीजन में एक क्या आ गया कि जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल के ऊपर उसमें कटौती की जाएगी कितनी कटौती की जाएगी तो पेट्रोल पे आठ रुपये की और डीजल पे छः रुपये की रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः क्रमशः करने का मतलब आठ जो पहले आ रहा है पेट्रोल के ऊपर और छः रुपया किसपे डीजल के ऊपर ठीक है ये तो डिसीजन लिया गया लेकिन ये जो डिसीजन था इज़ अ बिलेटेड एक्नोलेजमेंट ये देर से लिया हुआ फैसला है या कह सकते हो देर से उस से उसके दिमाग में बात आई यानी सरकार के मन में जो ये बात आई यानी उसको जो रियलाइज़ हुआ जो एक्नोलेज किया यानी रियलाइज़ किया उसमें देर हो गई थोड़ी सी क्योंकि इसके वजह से अप्रैल के महीने में मल्टी ईयर हाई इन्फ्लेशन रहा है यानी कई सालों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है और ये जो मेजर कदम उठाया गया है स्पर्ट का मतलब क्या होता है बढ़ाना तो हाई फ्यूल प्राइसेस की वजह से जो इस सिचुएशन था यानी इन्फ्लेशन मल्टी ईयर हाई पे पहुंच गया था यानी ये फैसला अगर पहले लिया जाता तो ऐसी स्थिति नहीं आती यानी हाई फ्यूल प्राइसेस के वजह से क्या हो गया था जो इन्फ्लेशन था स्पर्ड मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया था और बढ़ करके के अप्रैल के महीने में मल्टी ईयर्स हाई इन्फ्लेशन में पहुंचा हुआ था कमिंग मोर देन सिक्स मंथ्स आफ्टर इट्स लास्ट ड्यूटी रिडक्शन ये जो आया है फैसला वो करीब छः महीने के बाद जब से पिछली बार रिडक्शन हुआ था अब पिछली बार रिडक्शन कब हुआ था दीपावली के अवसर पे यानी दीपावली के अवसर पे जो रिडक्शन हुआ था एक बार उसके बाद छः महीने के बाद करीब ऐसा फैसला रिडक्शन का लिया गया है द लेटेस्ट कस्ट कट इज़ अ वेलकम स्टेप जो रिसेंटली जो कट कट मतलब जो यहाँ पे कटौती हुई है एक ऐसा स्टेप है स्वागत करने योग्य स्टेप है कदम है टू ईज दर्जनिंग वजनिंग का मतलब क्या होता है इनक्रीजिंग कॉस्ट वर्डन यानी जो बढ़ता हुआ कॉस्ट वर्डन था उसको ईज मतलब क्या सरल बनाने में किसके लिए प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के लिए, लिए. यानी जो ये फैसला लिया गया कट करने का एक वेलकम मूव है वेलकम स्टेप है क्योंकि इसके से क्या होगा कि जो वजनिंग कॉस्ट वर्डन था वजनिंग का मतलब इंक्रीजिंग कॉस्ट वर्डन था उसको कम करने में उसको ईज यानी शांत करने में जो कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के ऊपर था मदद मिलेगी आगे देखते हैं विद द प्राइस ऑफ द इंडियन बास्केट ऑफ क्रीड ऑयल हैविंग राइज इन बाई मोर देन थर्टी थ्री परसेंट सिंस नवम्बर अगर हम लोग प्राइस की बात करें जो इंडियन बास्केट ऑफ क्रीड ऑयल की बात करें जो हमारे देश में क्रीड ऑयल है उसकी जो प्राइस है वो बढ़ गई है और बढ़ गई कितना मोर देन थर्टी थ्री परसेंट नवम्बर के महीने से अगर तुलना करें तो एंड विद द बल्क ऑफ सर्च कमिंग इन द वेक ऑफ द यूक्रेन वॉर इन फेबरवरी और नवंबर के बाद फरवरी महीने में इसमें बल्क में वृद्धि हुई यानी एक एक मुस्त वृद्धि होने होना शुरू हो गया सर्च का मतलब होता है इंक्रीज याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बार बार आता है एग्जाम में तो सर्च मत जो बल्क ऑफ सर्च यानी जो बढ़ोतरी हुई वो बल्क में हुई काफ़ी बड़े पैमाने पे हुई और वो कब हुई किसके वजह से इन द वेक ऑफ यूक्रेन वॉर इन फेबरवरी फेबरवरी महीने में जब यूक्रेन में वॉर शुरू हो गया तब उसके कारण ये जो सर्ज यानी तेजी यानी फिर जो तेज़ी से बढ़ोतरी हुई वो बहुत बल्क में हुई अस्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो अस्टेट के द्वारा चलाया जाने वाला मार्केटिंग जो ऑयल की जो मार्केटिंग कंपनीज हैं हेवरेज रिटेल प्राइस फ्यूल प्राइसेस शार्पली ओवर 16 डे पीरियड स्टार्टिंग मार्च 22 और साथ ही जो हमारे राज्य के द्वारा चलाए जाने वाले तेल के जो कंपनीज हैं उसने भी रिटेल फ्यूल के प्राइसेस को शार्पली क्या कर दिया बढ़ा दिया और ओवर अ 16 डे पीरियड स्टार्टिंग मार्च 22 और मार्च 22 टू के शुरुआत में करीब सोलह दिनों तक ही बढ़ा दिया लार्जली एज अ रिज़ल्ट ऑफ द हायर फ्यूल प्राइस एंड क्विकनिंग फूड कॉस्ट इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सलेरेटेड टू अटी फाइव मंथ हाई ऑफ सेवन पॉइंट एट परसेंट लास्ट मंथ इन सब घटनाओं की वजह से यानि जो फ्यूल है उसके प्राइस को बढ़ जाने से इसका रिजल्ट ये हुआ कि फूड कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो गया इन्फ्लेशन जिसमें सी पी आई पर आधारित इन्फ्लेशन की बात हो रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है हर महीने पे इवेलुएट करता है कि महंगाई का दर पिछले महीने के तुलना में क्या रहा तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो भी एक्सलरेट हो गया यानी तेज़ी से आगे बढ़ा और पंचानवे महीने के सबसे ऊपरी स्तर पे पहुंच गया और इट इज़ सेवन पॉइंट एट परसेंट लास्ट मंथ तो ये आपके लिए याद करने वाली चीज़ हो गई वाइल होल प्राइस गेंस सोड सोड का मतलब भी होता है इनक्रीज़ होना यानी होलसेल प्राइस ये तो रिटेल प्राइस की बात हो रही है ना यहाँ पे होलसेल प्राइस गेंस जो है वो भी तेज़ी से बढ़ा मल्टी डिकेड हाई यानी कई दशकों से ऊपर गया एंड दिस इज फिफ्टीन पॉइंट वन परसेंट एस एंड पी ग्लोबल्स अप्रैल पीएमआई एम सर्वे एस एंड पी कंपनी है जो कि ग्लोबल महंगाई को इवेलुएट करती है और अप्रैल के महीने में सर्वे वो शो करता है दर्शाता है दैट बोथ सर्विसेज एंड मैनुफैक्चरिंग मैनुफैक्चरिंग कंपनीज़ हैड इन फैक्ट फ्लैज द सर्चिंग इनपुट्स इनपुट कॉस्ट एज द पोटेंशियल डैम्पर ऑफ डिमांड तो एस एंड पी ग्लोबल्स अप्रैल पी आई पी एम आई सर्विस ने बताया कि दोनों ही चाहे वो सर्विस यानी सेवा क्षेत्र हो या मैनुफैक्चरिंग सेक्टर हो उसने क्या किया है कि उसमें सर्जिंग देखने को मिला है यानी उसमें भी तेज़ी देखने को मिला है उनके इनपुट कॉस्ट में वृद्धि हो गई अब कॉस्टिंग किसी का बढ़ेगी तो क्या होगा चीज़ें महँगी होगी और जिसके वजह से जो डैम्प डैम्पर का डैम्पनर का मतलब होता है नीचे आना यानी डिमांड भी क्या हो गया है नीचे आया कम जब महंगाई बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो जो फाइनल प्राइस आएगा लोगों के लिए वो ज़्यादा होगा प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड घटेगी और यही कारण हुआ कि इट हैज़ टर्न इन टू अंपनर ऑफ डिमांड डैम्पनर का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ डिमांड यानी डिमांड जो है कम गया अ डेस्परेट आर बी आई डेस्परेट का मतलब होता है हताश हेल्पलेस तो एक हत, जो हताश आर बी आई डिसाइडेड टू स्टॉप वेटिंग फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी जब हताश होकर के आर छोड़ दिया वेट करना किसका कि सरकार की कोई हस्तक्षेप हो गया ऐसे मामले में टू कूल द सप्लाई साइड फैक्टर्स फैनिंग इन्फ्लेशन एंड ऑप्टेड इंस्टीट्यूट टू राइज इंटरेस्ट रेट्स अर्लियर दिस मंथ आर हताश हो के एक फैसला ले ली फ़ैसला क्या ले ली कि वो क्या किया कि रेज कर दिया इंटरेस्ट रेट आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा तो सरकार इस मामले में इंटरफेयर करेगी कि इस सिचुएशन को कूल cool करने में शांत करने में सप्लाई साइड फैक्टर्स को थोड़ा सा शांत करने में जो कि इन्फ्लेशन को हवा दे रहा है फैनिंग का मतलब क्या कर होता है उसको हवा देना है या उसको आगे बढ़ा रहा है तो सप्लाई साइड फैक्टर्स जो कि फ़ैन कर रहा है यानी जो हवा दे रहा है इन्फ्लेशन को उसको सरकार अपने इंटरवेंशन से यानी हस्तक्षेप से इंटरवेंशन का मतलब क्या हुआ हस्तक्षेप से उसको शांत करेगी ये आशा में आर कई दिनों तक रही लेकिन सरकार ने जब कोई भी एक्शन नहीं लिया इस मामले में तो डेस्परेट यानी हताश हो करके उसने एक फैसला लिया कि जो इंटरेस्ट रेट है यानी जो रेपो रेट है उसमें वृद्धि कर देगी और यही फैसला लिया गया कि रेपो रेट में वृद्धि कर दी गई आरबीआई के द्वारा यहाँ तो क्लियर होगा कि आर ने क्यों ऐसा फैसला लिया रेपो रेट बढ़ाने का क्योंकि सरकार अपने स्तर से इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही थी इसलिए इन्फ्लेशन को देखते हुए एक कड़े मूव के तौर पे आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया यानी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया द एक्सटेंट ऑफ कंसर्न अबाउट द इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक जो हद है एक्सटेंट का मतलब होता है हद तो चिंता की जो हद है किसके बारे में इन एक्शन एक्शन न लेना किसके तरफ से सरकार के तरफ से यानी एक चिंता की हद है जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा एक्शन न लिया जाना वाज रिफ्लेक्टेड एट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज टू डे मीटिंग ये जो बात है वो रिफ्लेक्ट हुआ सामने आया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दो दिन की मीटिंग में आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है देश के अर्थव्यवस्था के लिहाज से बैंक के रेट वगैरह को डिसाइड करती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या बैंक के स्तर से कदम उठाने चाहिए वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही डिसाइड करती है इसमें सिक्स मेंबर्स होते हैं जिसमें आरबीआई के गवर्नर भी शामिल होते हैं तो आप इतनी जानकारी इसके बारे में रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में छः मेंबर होते हैं और इसका काम क्या है कि देश की मॉनेटरी यानी आर्थिक स्थिति को इवेलुएट करना और उसके अनुसार कदम उठाना इसमें आर के गवर्नर भी शामिल होते हैं। तो मीटिंग सरकार के द्वारा इन एक्शन यानी सरकार के द्वारा एक्शन न लिया जाना ये मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी रिफ्लेक्ट हुआ था जो कि अर्लियर दिस मंथ वेयर अ नंबर अ मेंबर ऑब्जर्व जिसने एक मेंबर ने ऑब्ज़र्व किया था क्या किया था देखिए उसका स्टेटमेंट है गवर्नमेंट सप्लाई साइड एक्शन कैन ऑल्सो रिड्यूस फ्यूचर रेट राइजेस कह रहा है कि सरकार अगर सप्लाई के साइड में एक्शन लेती है तो ये क्या कर सकता है रिड्यूस यानि कम कर सकता है फ्यूचर में जो रेट बढ़ाए गए हैं उसको आउटपुट सेक्रीफाइस एंड कॉस्ट और न केवल फ्यूचर रेट राइजेज़ को कंट्रोल कर सकता है बल्कि आउटपुट सेक्रीफाइसेस यानी जो आउटपुट मतलब लाभांश लाभ होता है उस जो सफ्रीफाई कर रहे हो उसको उसमें भी कटौती होगी और जो उधार लेने वाली जो परंपरा है उसमें भी कटौती होगी अगर सरकार अगर एक्शन ले तो वो सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेज और यानी दोनों सेंट्रल और स्टेट के जो टैक्सेज हैं और क्या हैं बुन्सी का मतलब क्या होता है एबल टू राइज जो कि राइज होता है गिविंग देम स्पेस टू कट टैक्सेस ऑन फ्यूल्स और ये चूँकि बढ़ने वाले हैं बोयंट हैं तो बोयंट हैं तो इसको क्या करना चाहिए इसको एक स्पेस देना चाहिए मौका देना चाहिए इसको टैक्स कट करके फ्यूल पे नाउ दैट सेंटर हैज़ एक्टेड टू ईज सम ऑफ द इन्फ्लेसनरी प्रेशर इमिनेटिंग फ्रॉम द हाई एक्साइज ड्यूटी नाओ जब जब अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट किया है कि थोड़ा सा राहत दिया जाए इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम किया जाए क्या करके जो कि हो रहा था इमेंस इमेंस इमिनेटिंग का मतलब क्या हुआ जो कि जिसके वजह से हो रहा था किसके वजह से तो हाई एक्साइज ड्यूटी के वजह से इमिनेटिंग प्रोम का मतलब उसके वजह से तो जो हाई एक्साइज ड्यूटी के वजह से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ा हुआ था उसको थोड़ा सा शांत करने का प्रयास किया गया है किसके द्वारा सेंटर के द्वारा क्या करके एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके द ओनर्स इज ओनर्स का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज ऑन द स्टेट्स टू सिंक देयर पोलिटिकल डिफरेंसेस ओवर द गवर्नमेंट्स पास्ट अप्रोच टू टैक्सिंग फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑन द कॉमन मैन बाय पेयरिंग देयर रिस्पेक्टिव स्टेट टैक्सेज एज वेल अब कहा जा रहा है कि अब जो राज्य की सरकारें हैं उनको अपनी पॉलिटिकल डिफ्रेंसिस को भुला करके ख़त्म करके दरकिनार करके सिंह मतलब दरकिनार कह सकते हो क्योंकि सरकार की जो पहले अप्रोच रही है उसको साइड करके उसको भी क्या करना चाहिए हेल्प करना चाहिए रिड्यूस द बर्डन बर्डन को कम करने के लिए ऑन द कॉमन पीपल जो कि एक साधारण व्यक्ति के ऊपर है क्या करके बाई पेयरिंग पेयरिंग का मतलब क्या होता है कटौती करना इसको याद रखना पेयर मतलब काटना होता है नाखून वगैरह काटते हैं ना हम लोग तो क्या करके कटौती करके दे रिस्पेक्टिव स्टेट टैक्सेज एज वेल अपने स्टेट के जो टैक्सेज हैं उसको कम करके यानी एक लाइन में इसको समझे तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने चूकी अपना फैसला ले लिया है अब राज्य सरकार सरकारों को अपने राजनीतिक डिफ्रेंस को भुला करके अपने अपने राज्यों के कॉमन पीपल को राहत देने के उद्देश्य से टैक्स में कटौती करनी चाहिए ये नहीं कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है तो केवल करे कांग्रेस और दूसरे पार्टियों की सरकार है तो नहीं करेगी ऐसा नहीं करना चाहिए विद द वॉर इन यूरोप शोइंग नो इमेडिएट साइंस ऑफ ईजिंग यानी जो वॉर चल रहा है यूरोप में वो दर्शाता है या दिखाता है कि अभी कोई इमेडिएट तत्काल कोई ऐसा साइन नहीं नजर आ रहा है कि अब ये शांत होगा द इकोनॉमिक फॉल आउट जो आ, अर्थ अर्थव्यवस्था में जो फॉल आउट है फॉल आउट का मतलब जो फेलियर है पर्टिकुलरली ऑन ग्लोबल एनर्जी एंड फूड कॉस्ट खास करके अगर हम लोग एनर्जी और फूड की बात करें उसके प्राइस की बात करें रिमेंस हाईली अनसर्टेन ये जो कॉस्ट है फूड और फ्यूल का ये रियली अनसर्टेन है अब अनिश्चित है एंड कंटिन्यूज टू पॉइंट टू द राइजिंग रिस्क ऑफ फास्टर इन्फ्लेशन कपल्ड विथ स्लोअर ग्रोथ और ये जो अनसर्टेनिटी है जिसके वजह से ये इशारा करता है कि फास्टर इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ेगी और इसके साथ कपल विद मतलब साथ साथ आएगा स्लोअर ग्रोथ और ग्रोथ भी बहुत स्लो होगा क्योंकि प्राइस यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी तो चीज़ों का डिमांड घटेगा और जब डिमांड घटेगा तो उसकी मांग होगी नहीं तो होगी ही नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं नहीं खरीदेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मार्केट में होंगे नहीं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि मार्केट स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा और यही कारण है कि यहाँ पे सरकार ने ऐसा फैसला लिया इन सच ऑफ वोलाटाइल सैनरियो वोलाटाइल सैनैरियो का मतलब होता है अनिश्चित काल की जो स्थिति होती है फिजिकल मेजर्स दैट हेल्प कूल प्राइस प्रेस एंड लीव एन एक्स्ट्रा रुपी और टू इन द कस्टमर्स पॉकेट कैन ओनली एड टू अंडरग्रीड वाइटल कंजम्पसन डिमांड अब क्या फैसला क्यों ऐसा लिया गया कहा गया कि अभी जो मेजर कदम फिजिकल मतलब होता है मौद्रिक यानी मेजर मतलब होता है कदम जो उठाए गए हैं जिसके अंतर्गत प्राइस को कूल करने का प्रयास किया जा रहा है क्यूं? क्यों क्योंकि ताकि जो लोग हैं उनके पॉकेट में एक या दो रुपया एक्स्ट्रा रहे, यानी पैसा रहें क्योंकि तो आपके पॉकेट में पैसा रहेगा तभी आप चीज़ों आपके चीज आपको चीज़ों को खरीदने का मन करेगा पॉकेट में पैसा है ही नहीं तो क्या आपकी अभी लाशा होगी नई चीज़ों को खरीदने का नहीं तो जब पॉकेट में पैसा रहेगा तो लोग खरीदारी करेंगे खरीदारी करेंगे तब तो मार्केट चलेगा इसलिए कहा जा रहा है कि अभी जो प्रयास है कदम उठाया गया है जिसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा जो है कंज्यूमर के पॉकेट में छोड़ने का प्रयास है ताकि ये अंडरग्रेड करे यानी सपोर्ट करे वाइटल कंजम्पशन डिमांड को एक बड़े पैमाने पर कंजम्पशन डिमांड यानी डिमांड बढ़े इन द इकोनमी डिमांड और सप्लाई का ही पूरा खेल है अर्थव्यवस्था में डिमांड है सप्लाई है तो मार्केट बहुत अच्छी तरह से चलती रहती है <coughs> दोनों में से कोई बाधित हुआ तो मार्केट स्लो हो जाती है और मार्केट चले इसके लिए हमारे पॉकेट में पैसा होना चाहिए और पॉकेट में पैसा होगा और कब होगा जब सरकार चीज़ों पे जो महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसको कम करे तब हमारे पास पैसे होंगे अल्टीमेटली आखिरकार ऑल स्टेट्स मस्ट रियलाइज दैट द बेस्ट वे टू सेफ गार्ड दे रेवेन्यू सारे देशों को ये रियलाइज़ करना चाहिए मान लेना चाहिए कि जो सही तरीका होता है वो सेफ गार्ड बचाव करने का अपने रेवेन्यू का इंटरेस्ट वुड बी टू एंश्योर दैट वो ये है कि सुनिश्चित करें दैट द ग्रोथ मोमेंटम इन द इकॉनमी एज अ होल रिमेंस वेल सपोर्टेड क्योंकि यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि सभी राज्यों को ये मानना चाहिए कि रेवेन्यू कब ज़्यादा जनरेट होगा जब आपकी अर्थव्यवस्था है ओवरऑल सही से चलती रही उसमें मोमेंटम गति बनी रहे अगर गति खत्म हो गई यानी ग्रोथ रुक गया तो ऐसे भी आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा लेन देन होगी तब ना आपके पास टैक्स वसूलेंगे आप लेन देन होगी ही नहीं तो टैक्स कहाँ से वसूलेंगे दिस इज मोमेंट दैट कॉज फॉर ऑल हैंड्स ऑन डे एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सारे लोगों को सपोर्ट जरूर की जरूरत है यानी सारे लोगों को कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है द सूनर पॉलिसी मेकर्स एट द डिफरेंट लेबर्स और जल्द ही पॉलिसी मेकर्स का मतलब होता है नीति निर्माता अलग अलग लेवल्स पे ऑफ गवर्नमेंट सरकार के अलग अलग लेवल्स पे एंड ऑफ ऑल पोलिटिकल यूज़ और अलग अलग जो कलर के जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके अलग अलग सोच है अलग अलग टेम्परामेंट है रियलाइज़ ये बात को मानेंगे दिस एंड एक्ट इन कंसर्ट द बेटर और इस मामले में अच्छा क्या करेंगे एक्ट करेंगे यानी काम करेंगे <coughs> यानी एक लाइन में समझे तो इस एडिटोरियल में समझाने का प्रयास ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा कदम उठाया गया राज्य की सरकारों को सारे शिकायत और शिकवे को भूलते हुए उसको भी आगे आना चाहिए और ऐसा कदम उठाना चाहिए अब हमारे पास कॉमन एरर्स है जिसके बारे में मैंने बोला था कि आपको बनाना है देखिए तो क्या है आप जो पढ़ें उसी में से है गवर्नमेंट सप्लाई साइड एक्शन कैन ऑल्सो रिड्यूस फ्यूचर रेट्स राइजेज गवर्नमेंट के द्वारा अगर सप्लाई साइड में अगर एक्शन लिया जाता है तो फ्यूचर रेट्स प्राइजेस को क्या कर सकता है रिड्यूस कर सकता है आउटपुट सेक्रीफाइस एंड बोरोइंग कॉस्ट। नाउ यू विल हैव टू चूज द पार्ट इन विच देयर इज एन एरर। फाइन नाउ लेट मी टेल यू द आंसर कैन इज देयर आफ्टर कैन कूड मे माई मस्ट यानी मॉडल एक्सलरी वट डू वी यूज भी वन द कैन ऑल्सो रिड्यूज नहीं होगा कैन ऑल्सो रिड्यूस होगा यानि यहाँ पे डी हटा देंगे नेक्स्ट देख लीजिए अल्टीमेटली ऑल स्टेट्स मस्ट रियलाइज दैट आखिरकार सारे स्टेट्स को रियलाइज करना चाहिए दैट द बेस्ट वे टू सेफ गार्ड इट्स रेवेन्यू इंटरेस्ट वुड बी टू एंश्योर दैट द ग्रोथ मोमेंटम इन द इकोनॉमी

दैर द वेस्ट बेटू सेफ गार्ड इट्स ऑ दियर करेक्ट आंसर इज टी एच ई आई आर इन द्लेस ऑफ इट्स क्योंकि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है स्टेट्स है स्टेट नहीं है अगर स्टेट होता तो इट्स होता क्लियर तो अब मिलते हैं अगले एडिटोरियल में टेल दिन गुड बाय एंड टेक केयर